मुनीराम रजामी साहब, कुछ ही दिन पहले हमारा जो दौरा हुआ था तेलंगाना, खुसूसन हैदराबाद का, जिसमें मौलाना आज़ाद नेशनल यूनिवर्सिटी का दौरा हुआ था, उसका जो प्लान था वो हमारे रजिस्ट्रार साहब माजुद्दीन साहब की वो तजवीज़ थी कि इस तरह का एक दौरा होना चाहिए। वो दौरा काफ़ी कारामद रहा। उस वक्त हम तेलंगाना उर्दू अकेडमी पहुंचे थे और वहाँ काफ़ी देर तक हम लोग डिस्कशन करते रहे और मेरी एक तजवीज़ थी कि साउथ इंडिया उर्दू अकेडमीज़ की फेडरेशन होनी चाहिए। उस पर उस वक्त भी दोनों जो चेयरमैन हैं उन्होंने उससे इत्तेफाक किया था और आज भी, आज की तकरीब में भी काफ़ी बार उसका जिक्र हुआ। मेरी एक गुजारिश है कि आज इस प्रोग्राम के बाद में हमारी जो कि मीटिंग है उसमें भी हम लोग कोशिश करेंगे कि साउथ इंडिया की जो फेडरेशन है उस पर आगे हम बढ़ सकें। आज के इस प्रोग्राम में तशरीफ फरमा तेलंगाना उर्दू अकेडमी के चेयरमैन इज़्ज़त माब ताहिर बिन हमदान साहब और डायरेक्टर सेक्रेटरी तेलंगाना उर्दू अकेडमी शेख लिया कतरी साहब और उनके साथ कृष्णा और एक दो और मेंबर भी उनके काफिले में हैं। तमाम लोगों का मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि उन्होंने कर्नाटक उर्दू अकेडमी के इस प्रोग्राम में शिरकत की और अकेडमी के दफ्तर में आने की उन्होंने ज़हमत की और इस हमारी दावत को लबाई कहा जो हमने पिछली बार उन्हें मधु किया था। साथ ही कर्नाटका उर्दू अकेडमी के चेयरमैन मौलाना मोहम्मद अली साहब, रजिस्ट्रार माजुद्दीन साहब, उर्दू अकेडमी के रुकन आज़म शाही साहब, आबिद असलम साहब, नातिक अलीपुरी साहब, मैडम शाइस्ता यूसुफ साहबा, डॉक्टर दाऊद मोहसिन साहब और इस प्रोग्राम के कन्वीनर मुनीर अहमद जामी साहब, आप तमाम लोगों का आपका भी शुक्रिया अदा करता हूँ और तमाम